हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे दोस्तों कि कैसे हम पाइथन में किसी भी नंबर को पता कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कोड को लिख रखा है। चलिए दोस्तों इस कोड को हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ से करेंगे F5 को प्रेस और यहाँ पे देंगे दोस्तों अपना कोई भी एक नंबर। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 8 नंबर, जो कि दोस्तों हमारा प्राइम नंबर नहीं है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा लिख के आ रहा है 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं। फिर से करेंगे F5 को प्रेस। अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे 7 नंबर, जो कि हमारा प्राइम नंबर है। फिर से एंटर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख के आ रहा है 7 इज अ प्राइम नंबर, मतलब कि हमारा कोड बिल्कुल ही सही वर्क कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नम, इसमें दोस्तों हम यूजर से अपनी वैल्यू को एंटर कराएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट और यहाँ इनपुट में लिखेंगे जो भी दोस्तों आपका मन हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखूंगा मैं एंटर द नंबर और यहां से कर देंगे दोनों ब्रैकेट को क्लोज। अब दोस्तों लेंगे यहाँ पे सी इक्वल टू इंट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे लिखेंगे नंबर, जो भी दोस्तों हमने यूजर से वैल्यू एंटर कराई है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, फिर से ब्रैकेट क्लोज और इसमें हम कर देंगे प्लस 1, फिर से ब्रैकेट क्लोज। ये वाला स्टेप दोस्तों हमने इसलिए लिया है, अब सपोज करिए कि आप नंबर लेते हैं 10, आपको 10 चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो दोस्तों 10 का हाफ क्या होता है 5, मतलब जो हमारा लूप है वो दोस्तों 5 बार रन करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए हम उसको हमने डिवाइड किया है 2 से और प्लस 1 किया है, इसलिए कि दोस्तों जो भी हम लूप में वैल्यू डालते हैं वो एक नंबर पीछे चलता है। तो आप सपोज करिए कि हमने यहाँ पे नंबर डाला है 10 और हमको लूप चलाना है 5 बार, मतलब उसका हाफ, तो हमें तो इसका आउटपुट आएगा 5 प्लस 1, मतलब 6, जो हमारा लूप चलेगा वो चलेगा 5 बार। इसलिए कि दोस्तों जो भी हम वैल्यू एंटर करते हैं वो उससे एक नंबर पीछे तक चलता है लूप। ओके फ्रेंड्स, तो अब बारी हमारी लूप की। तो यहां पे चलाएंगे लूप फॉर आई इन रेंज और रेंज हमारी कहां से चलेगी दोस्तों 2 से सी तक, जो दोस्तों हमारी वैल्यू आएगी और यहां से कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और यहां लगाएंगे कॉलन। अब यहां पे लिखेंगे रिमाइंडर आर ई एम इक्वल टू, जो भी हमारा नंबर है वो डिवाइड हो किससे, मॉड्यूलस का साइन लगाएंगे, जो भी दोस्तों हमारी रेंज में वैल्यू आ रही है उससे क्या हो जाए डिवाइड। ओके फ्रेंड्स, और इफ अगर वो रिमाइंडर दोस्तों हमारा इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब जो उसका रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तो इसका आंसर क्या प्रिंट हो जाए हमारा, प्रिंट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहां पे हमने लूप चलाया है फॉर आई इन रेंज 2 से लेके 6 तक। अब सपोज करिए कि हमने यहां से वैल्यू एंटर कराई है 10 और 10 का हाफ हो जाएगा हमारा 5 प्लस, मतलब 6 वैल्यू आएगी हमारी सी की और यही वैल्यू गई है हमारे आई के पास 2 से लेके 6 तक, मतलब यहां पे लूप चलेगा 2 3 4 5 बस। ओके फ्रेंड्स, और यहां पे हमारे रिमाइंडर में वैल्यू आएगी नम, नम में हमारी क्या वैल्यू थी 10, 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, मतलब ये ट्रू हो गया और यहां से ये प्रिंट कर देगा नंबर इज नॉट अ प्राइम। ओके फ्रेंड्स, तो मतलब हमारा 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो मतलब ये हमारा बिल्कुल सही प्रिंट करेगा। अब आप सपोज करिए कि हम नंबर लेते हैं 7, तो 7 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा 3.5, मतलब 3 लेगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये चलेगा 2 से लेके 4 तक। तो पहली वैल्यू आएगी हमारी 2, 2 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर से डिवाइड होगा ये 3 से, फिर भी यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी फॉल्स,
ओके फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों दोनों में हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स। तो यहां पे हम लिखेंगे ब्रेक, मतलब अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए तो ये फंक्शन यहीं पे वर्क करना बंद कर दे, वरना दोस्तों हमारी ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो क्या हो जाए, एल्स क्या प्रिंट कर दे यहां पे, जो भी हमारा नंबर जो हमने एंटर किया है वो क्या है, हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब चलिए इसको करते हैं रन एक बार, यहां पे प्रेस करेंगे F5 और अपनी फाइल को करेंगे सेव प्राइम नंबर से, और यहां पे करेंगे सेव। अब यहां पे वैल्यू डालेंगे एंटर द नंबर, यहां पे एंटर करते हैं हमारा 8, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब हमारा ठीक वर्क कर रहा है कोड। फिर से करेंगे फंक्शन के साथ F5, अब यहां लिखेंगे 7, 7 इज अ प्राइम नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि हमारा कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अगर दोस्तों आपको इस कोड का सोर्स कोड चाहिए तो मैंने दोस्तों उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप दोस्तों जाके वहां से इस कोड को कॉपी कर सकते हैं और अपने काम में इस कोड को ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगले दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हैव अ नाइस डे।